उधर आगरा में ताजमहल में पूजा को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख पहुंच चुकी हैं। उन्होंने आगरा जिलाधिकारी से ताजमहल के अंदर पूजा करने की परमिशन मांगी है। इसके साथ ही ताजमहल के अंदर बाथरूम के पास राधा कृष्ण की फोटो म्यूरल को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से नमाजियों पर कार्रवाई हुई उसी तरीके से पूजा करने के बाद उन पर कार्रवाई हो। तो आगरा की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक बार फिर से ताजमहल में पूजा करने की मांग का ये जो पूरा विवाद है वो एक बार फिर से उठने लगा है। साध्वी का ये विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। ताजमहल में पूजा करने की मांग जिलाधिकारी से वो करने पहुंची है। ये पूजा अर्चना करना चाहते हैं, दो लोगों पर धारा लगाई है 147, हम लोग 147 भी झेलने को तैयार। साध्वी राधा स्वयं सरस्वती श्रीधाम वृंदावन से मैं आगरा आई हूँ, और आगरा जो हमारा तेजो महल है वहाँ पर मैं हमारे जो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको बाथरूम के पास में स्थापित किया गया है, और भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने हमको स्वप्न में इस बात को संकेत किया है कि आप हमको हमारे या तो उस तेजो महल से हमारी प्रतिमा को हमारे स्थान पर ला करके विराजमान कराइए, या फिर जो तेजो महल में शिवलिंग है वहाँ पर हमको वहाँ से स्थापित कराइए।